सबसे पहले हम आप लोगों को अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एस पी साहू है। मैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं ये ट्रेनिंग जो है इफ्री का जो सीसा प्रोग्राम चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का सीसा कार्यक्रम जो बिहार में चल रहा है, उसमें हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इसमें हम लोग का उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी पशुपालन से कैसे बढ़े। तो खेती बाड़ी से हमारे और बहुत सारे सहयोगी संस्थान हैं, वो सब करते हैं। हम खास करके पशुपालन से कैसे आमदनी किसानों की बढ़ेगी उस पर हम लोग पालते हैं। तो हम लोग जो गाय भैंस पालते हैं, खासकर दूध के लिए पालते हैं, तो दूध से आमदनी कैसे बढ़ेगा, यानी उसका ये काम यह रास्ता हो सकता है कि आपकी गाय 5 किलो दूध देती है, दोनों टैंक ला करके तो 6 किलो दे, तभी 1 किलो दूध ज्यादा होगा तो आपको 20-22 रुपया ज्यादा फायदा होगा। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जितना खर्चा हम 5 किलो दूध पैदा करने पर लगाते हैं, जो भी घास भूसा दाना उना खर्च होता है, वो खर्चा ही कम हो जाए। तो इस संबंध में हम आप लोगों से बात करने आए हैं, ये आप लोगों को तरीका बताने आए हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे कि जानवरों को सभी जानते हैं कि संतुलित आहार, हम लोग अपने बाल बच्चों को भी कहते हैं यदि उसको संतुलित आहार नहीं देंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसके शरीर का विकास नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम आते हैं गाय भैंस पर। तो गाय भैंस से हम दूध लेते हैं, उसको यदि हम ढंग से नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा, जितना दूध उसको देना चाहिए वो नहीं देगी। दूसरी बात है उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो जितना दिन तक दूध देना चाहिए था या जिंदा रहना चाहिए था, बच्चा देना चाहिए था, वो नहीं दे। तो इसीलिए जानवरों को भी संतुलित आहार चाहिए। अब जैसे हमारे आप लोग जो दाना खिलाते हैं, बहुत लोग सिर्फ मक्के का दर्रा उबाल के खिलाते हैं दाना में, कोई चोकर भी खिलाते हैं, कोई खल्ली भी देते हैं। अब बहुत लोग बाजार का जो दाना है, सुधा का है, कपला का, ढेर सारी कंपनी का दाना बाजार में है, वो लोग भी खिलाते हैं। लेकिन बाजार का दाना खिलाने के बावजूद भी किसान लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि मक्के का दर्रा देंगे, देते हैं सभी अलग से चोकर देंगे, फिर भी चोकर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि बाजार में जो उपलब्ध संतुलित आहार है और उसके देने के बावजूद भी आपको अलग से मक्के का दर्रा, खल्ली, चोकर, दालचीनी ये सब देना पड़ता है, इसका मतलब है कि उसमें वो ताकत सी है जो इतना दूध जो दूध देती है गाय उसको पूरा कर सके। तो इसके लिए हम लोग आप लोग यहाँ लेकर आए हैं कि आप लोग दाना जो है संतुलित आहार अपने घर में ही कैसे बने। अब जितना आप अपने जानवर को अभी दाना खिला रहे हैं या मक्के का दर्रा चोकर खिला रहे हैं अभी, उतना ही ये दाना आप खिलाइएगा तो आपके जानवर का दूध बढ़ जाएगा। अभी तक लोग हम लोग को यहाँ देखे हैं कि प्रति जानवर 0.5 किलो से लेकर के 6.5 किलो तक दूध बढ़ रहा है प्रतिदिन, दोनों टाइम मिला ये दाना खिलाने से 0.5 किलो से 6.5 किलो तक दूध बढ़ाएगा, है ना। किसी जानवर की जिसकी क्षमता कम ही रहेगी तो कहाँ ज्यादा दूध देगी, उसको 0.5 किलो बढ़ाओ, जिसमें क्षमता रही होगी उसको कम खाना मिलता होगा, है ना, या ढंग का खाना नहीं मिलता होगा उसका बढ़ गया, चोकर उकर सब मिला करके उससे 1.5 किलो कम खिलाइएगा, है ना, तो दूध आपके जानवर उतना ही देगा, जानवर आपका दूध जितना दे रहा है उतना ही देगा। लेकिन दोनों तरफ से आपको फायदा है, यदि आपका दूध बढ़ता है तो भी फायदा है, यदि आपको दाने का खर्चा कम पड़ रहा है दूध उतना ही रहा है तो भी आपको फायदा है, है ना। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। बैठिए बैठिए दीदी, कैसे कैसे आना हुआ भैया, अपना ही से मिले आइलिया हम। दीदी कथी ला मिले आइलिया हमरा से भैया, ई सब कथी करबै, कथी ला रखले हथिए, ई चोकर रखले हथिए, ई दारा रखले हथिए, ई पाउडर रखले हथिए, ई सब के कथी करबै अपने। दीदी सब सामग्री के संतुलित पशु आहार बनावे। संतुलित पशु आहार बनावे के ई जानकारी कहाँ से मिललक अपने के भैया? एलिरी सीसा परियोजना के द्वारा हमरा सबके ट्रेनिंग मिलल रहे।
अच्छा भैया इलरी सीसा परियोजना के तरह से अपने लोगन के ट्रेनिंग मिले रहे। हाँ दीदी, ट्रेनिंग मिलल तभी से हम और हमारा गांव के लोग अपने से बनावे ले अब अपना पशु के खियावे ले। हमरा लेल तो बड़ा नया ही पशु आहार है भैया, बड़ा हम समय से आगे लिया तो हमरा तक बना के बताइए दीदी तो ठीक रहे थी। हाँ दीदी, अभी तो हम बनाबे के शुरुए कर लिया, देख लियो समझ लियो। अच्छा भैया, बनावे से पहले अपन परिचय दे देती तो ठीक रहे। अच्छा दीदी दे दे छी। नाम पुष्पेंद्र कुमार, ग्राम गन्नीपुर बेझा, प्रखंड सकरा। सबसे पहले सामग्री के बारे में समझ ली दीदी। ये सब सामग्री दीदी 1 क्विंटल पशु आहार बनावे के लिए है। दीदी 1 किलो नमक है। ये तो साधारण नमक है भैया। हाँ हाँ साधारण नमक है दीदी। दीदी दीदी हमें 2 किलो मिनरल मिक्सचर, 10 किलो चना का छिलका है। यही देखिए ना, चना का छिलका यही है। ये भैया चना के छिलका। हाँ 10 किलो है। एमे 20 किलो गेहूं का चोकर है दीदी। चोकर के भी जरूरी पड़ी भैया। हाँ एमे 17 किलो गेहूं के दर्रा है दीदी। गेहूं के दर्रा पड़ी भैया। हाँ एमे 20 किलो मकई के दर्रा है दीदी। दस किलो गुरा है धान के। एमे 20 किलो खड़ी है दीदी। एमे 10 किलो तीसी के खड़ी है और 10 किलो तोरी के खड़ी। 1 क्विंटल संतुलित पशु आहार बनाने में दीदी इतना सामग्री लागे। सामग्री ही तो सब बता देली भैया, लेकिन ये बनता ही कैसे से हमरा ना बताइली। अभी दीदी हम बता दे थी। सबसे पहले दीदी मिनरल मिक्सचर और नमक मिला ले। भैया सबसे पहले मिनरल मिक्सचर और नमक के मिलावल जाला है। हाँ हाँ दीदी, मक्का के दर्रा दीदी रखाई ले। दीदी अब एकरा हम पहले फैला देवाई। अब इस पर दीदी 10 किलो गेहूं का दर्रा डालें। गेहूं का दर्रा एकरा ऊपर से डाल दिलियै। हाँ दीदी, गेहूं के दर्रा के भी फैला देवाई। आबे पर दोनों खरी डाल देवे दीदी। अब खरियों के यही पर डाल दिलियै। हाँ दीदी, एकरा के फिर एकरो फैला देवे पर। हाँ दीदी, अब ये पर दीदी मिनरल मिक्सचर और नमक डालबे। अब इस पर दाल रखबे दीदी। अभी मैंने ये चना के दाल के छिलका है से अब रख दिलिए। हाँ दीदी, ला ऊपर से राइस पॉलिश रख देवे दीदी। अब राइस पॉलिश रख दिलिए। हाँ दीदी, ऊपर से गेहूं के चोकर है रख दिली थी। अभी चोकर रख लिए ऊपर से। सब रख कर बराबर से फैला दिलिए दीदी। हाँ अब एकरा हाथ से मिला देवे।
अच्छा भैया अभी पूरा मिला दिलिए मिल गए ना दीदी अभी एक के बार मिललिए है एकरा एक बेर और मिलबै माने दो बार मिलबै हां दीदी ताकि अच्छा से मिल जाए ना हां दीदी ठीक है भैया तो मिलाऊ दूसरा एक बेर दुबे मिला दिलिए दीदी अभी तैयार हो गेलै अच्छा भैया ई तो तैयार हो गेलै त अब एकरा उबालहूं उबाल के खियावे के होतै कि ऐसे ही खियावे के होतै दीदी एकरा उबाले के न पड़तै कुट्टी में पानी के साथे एकरा मिला के खिया दे एक कुंटल दाना तैयार हो गेलै दीदी एकरा बोरा में पैक करके रख दे सकली है मवेशी के खिया सकली संतुलित पशु आहार खियावे से कौन कौन फायदा है भैया ये खियावे से दूध बढ़ जतै और जरना के बचत होइ छै बाजार वाला दाना से कम खियावे के जरूरत होइ छै 5 किलो के जगह पर 3 किलो खिया दवै त ओकरा भोजन के पूर्ति हो जतै बाजार के 5 किलो के जगह पर ई 3 किलो खियावे त पूर्ति हो जतै भैया हां दीदी बाजार वाला 5 किलो खियावे आ ई 3 किलो खियावे तइयो दूध कम न होत अच्छा ई खियावे से पशु जे है से समय से गर्भ धारण करते दीदी और अठगोरवा भी न लगल अच्छा भैया ई खियावे से अठगोरवा भी न लागल है आ समय से गर्भ धारण भी कर लेवल है हां दीदी दीदी एकरा अब हम बोरा में पैक कर ले अच्छा ठीक है भैया त एकरा पैक कर लूं किसान दीदी भैया के लेल कोई संदेश देबे भैया हां दीदी जरूर देबे सब किसान दीदी भैया से अनुरोध है अपना मवेशी के संतुलित पशु आहार बनाकर खिलावे और कम खर्च में ज्यादा दूध का उत्पादन करे अच्छा भैया ई संतुलित पशु आहार बनावे के लेल हमरा अपने बहुत ज्यादा टाइम देली हमरा साथे और हमरा के बहुत बढ़िया ढंग से बता भी देली एकरा लेल बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी मेरा नाम रामनंदन प्रसाद है घर गन्नीपुर बेझा थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर हम एक किसान है और पशुपालक है हम संतुलित पशु आहार तैयार करते हैं जो इलरी सीसा के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है इसको खिलाने से पशु ज़्यादा दूध देती है समय पर गर्भधारण करती है और ये अठगोरवा का प्रकोप भी घट जाता है दूध के फैट और SNF में बढ़ोतरी होती है और घर का जो दाना होता है उसको उबाल के खिलाना पड़ता है इसमें सुविधा होती है कि बिना उबाले हुए भी खिला लेते हैं आसानी होती है खिलाने में इस पशु आहार को हम लगभग 1 साल से खिला रहे हैं और इससे हमको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं मेरा नाम लक्ष्मी कुमार है और गांव गनीपुर बेझा है जो सकरा ब्लॉक पड़ता है जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं मैं किसान हूँ और यह एक पशुपालक भी हूँ मुझे इलरी सीसा के द्वारा प्रशिक्षण मिला जो 2014 फरवरी में दिया गया हमको जिससे हमको बहुत अच्छा लाभान्वित इस पशु आहार संतुलित पशु आहार से मिला जो गाय अच्छी से अच्छी तरह से खा लेती है और जल्द भी खाती है और इससे दूध की बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है और इसकी जो दूध की जो फैट है सीनत है वो अच्छी मिलती है और जो हम बाहर से दाना खिलाते थे उसके अपेक्षा यह दाना खिलाने में बहुत सुविधा होती है जो बिना उबाले हुए हम खिलाते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है मेरा नाम हुआ रामदेव महतो घर हुआ गन्नीपुर बेझा ब्लॉक है ढोली सकरा जिला मुजफ्फरपुर संतुलित पशुहार हम ये 6 महीना से करीबन खिला रहे हैं हमको बहुत अच्छा उससे फायदा बुझाया जैसे कि दूध की मात्रा हमको जो पहले 5 लीटर होता था जो पशु को उसको अभी 6 साढ़े 6 तक गया है
और उसका जैसे रुआ की चमक है या चाहे कोई बड़ बीमारी है, इससे भी हमको बहुत फायदा बुझाया है। रुआ उससे बहुत अच्छा खासा साफ दिखाई दे रहा है, गाय भी स्वस्थ है मेरा। और भाइयों से हमको ये अनुरोध है कि संतुलित आहार जो है वो सब भाई हमारे खिलावें और अपनी अपनी सब फायदा उठावें।